इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ आइलियम की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लास्ट पार्ट है। तो आइलियम, आइलियम की अगर हम बनाएं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, तो अगेन ये भी एक जो है हॉलो ऑर्गन है। इसकी भी यहाँ पर ल्यूमेन होगा, फिर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस एक्सटर्ना, देन सेरोजा या फिर एडवेंटिजिया होगा, ठीक है। तो अब हम, मैं एज यूजुअल इसको हाईलाइट करके यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो इसकी जो ल्यूमिनल साइड है वहाँ पर होगा ऐसे विलाई पड़ा होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर विलाई छोटा होगा, जिसको हम प्रॉपर एक विलाई नहीं कहेंगे, अभी मैं बताता हूँ। अब इसकी जो है ये एपिथेलियल लाइनिंग, सिंपल कॉलमनर है अगेन, ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है ये, एपिथेलियम लेयर हो गया। इसके अब न्यूक्लियस की बात हम कर लेते हैं। न्यूक्लियस अगेन वही जो है बेजल न्यूक्लियस हो जाएगा इसका, क्योंकि कॉलमनर सेल्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है सेकंड, मतलब म्यूकोजा के जो सेकंड लेयर है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, लैमिना प्रोप्रिया हो गया। अब मजे की बात यह है कि इसके लैमिना प्रोप्रिया में इतने बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फैटिक नोड्यूल। ये देखें लिम्फैटिक की एग्रीगेशन होके, इसको हम गाल्ट भी कहते हैं, क्योंकि गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ से, मतलब लैमिना प्रोप्रिया से फैल के वो सब म्यूकोजा तक पहुँच गया होता है, ठीक है। तो लैमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोजा में जो बैरियर था वो क्या था, वो था मस्कुलारिस म्यूकोजी। तो मस्कुलारिस म्यूकोजी को भी ये पर्स करके जो है पहुँच गया होता है सब म्यूकोजा में, ठीक है, सब म्यूकोजा में पहुँच गया। यहाँ पर भी ये कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ये ब्लड वेसल्स वगैरह आ गए। तो जहाँ पर ये, इसको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये पेयर्स पैच होगा उसके जो रेस्पेक्टिव ल्यूमिनल साइड, ल्यूमिनल पार्ट है, वहाँ पर विलाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, और यहाँ पर लैक्टियल्स होते हैं, लिम्फैटिक जो है ना, लिम्फैटिक जो है, सॉरी, फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, म्यूकोजा हो गया, सब म्यूकोजा हो गया। इसके बाद नॉर्मल वही इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल क्या हो गया, मस्कुलारिस एक्सटर्ना, ठीक है। इसकी अब न्यूक्लियस दे देंगे हम, सेंट्रल इलोंगेटेड न्यूक्लियस, सेंट्रल इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इसके बाद जो है आइलियम, आइलियम इज ऑल्सो इंट्रापेरिटोनियल जो है एन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, और जिसके वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर भी सेरोजा पड़ा होगा। सेरोजा इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग, ठीक है, ये सेरोजा हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी लेबलिंग पे। लेबलिंग में वही म्यूकोजा हो गया, म्यूकोजा में ये एपिथेलियल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल, इसके बाद ये लैमिना प्रोप्रिया, ये हो गया मस्कुलारिस म्यूकोजी, ये हो गया सब म्यूकोजा, ये हो गया इनर सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलारिस एक्सटर्ना, ये हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और ये हो गया सेरोजा, ठीक है। अब ये, इसका नाम क्या था, पेयर्स पैचेस, ठीक हो गया। अब पेयर्स पैचेस के जो रेस्पेक्टिव वो है विलाई, मतलब ल्यूमिनल सरफेस है जहां पर विलाई नहीं है, इसके टॉप पर एक सेल, स्पेशलाइज सेल होता है, इस सेल को हम कहते हैं एम सेल, एम सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ आइलियम। थैंक यू।